साहिल 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 अली हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग सीरीज, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइड, सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, सब क्या बोलूँ. इतना मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं मतलब आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ मेरा एक्साइटमेंट लेवल कितना है. वो तो आप लोगों को वीडियो में देखने के लिए मिल ही जाएगा. एनीवेज गाइज वेलकम बैक टू द वीडियो. एंड आज है 25 अक्टूबर, सुबह के अभी 3:30 बज रहे. 4 बजे हम लोगों का राइड स्टार्ट करना है. एंड कहाँ जा रहे हैं वो तो सीक्रेट है, बट इतना आप लोगों को बोल सकते हैं कि हम लोग अभी नॉर्थ बंगाल के साइड में जा रहे हैं. तो आज का जो हम लोग हॉल्ट, हम लोग ट्राई करेंगे अप टू सिलीगुड़ी करने का. एंड रात तक शायद पहुंच जाएंगे. अगर नहीं होगा तो बीच में अगर कहीं पर जगह मिले तो वहां पर होल्ड करेंगे. बाय द वे मैं अपना मिल्की लेके जा रहा हूँ एंड आई एम डैम 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 एक्साइटेड. और भी दोस्त लोग जा रहे हैं, भैया लोग जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा मज़ा करने वाले. बाय द वे जिस ग्रुप के साथ मैं जा रहा हूँ वो है हावड़ा बाइकर बॉयज़. ओके, हावड़ा बाइकर बॉयज़ का ऑफिशियल ईयरली राइड है एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बाहर तो पूरा अंधेरा है इसलिए मैं अंदर शूट कर रहा हूँ. बाहर मिल्की खड़ी है, बैग फैग सब कुछ पैक कर दिया मैंने. एंड यहाँ पर मेरा पीठ पे भी है मेरा कार्बोनाडो का बैग पैक एंड आई एम ऑल सेट. बस अभी निकलेंगे, सबसे मिलेंगे. बाइक में फुल टैंक किया हुआ है एंड अपना राइड स्टार्ट करेंगे. तो गाइस पूरा वीडियो एंड तक देखना, पूरा सीरीज देखना. एंड इस वाले सीरीज का आज पहला वीडियो है. तो चलो निकलते हैं, आप लोग बने रहो एंड वीडियो कंटिन्यू देखो एंड एंजॉय करो. तो गाइज अभी पूरा अंधेरा है एंड 4 बज चुके हैं. एक्चुअली बात था 4 बजे निकलने का, मतलब पूरा हम लोगों का राइड स्टार्ट कर देने का, बट यार यू नो ना, एक ग्रुप में रहते हैं तो थोड़ा सा 19-20 होता है. तो फिर भी जितना जल्दी कर सकेंगे करेंगे, हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा निकलने का कोशिश करेंगे. तो चलो चलते हैं. अभी तो जाएंगे अली के घर के सामने क्योंकि वो है हम लोगों का मीटिंग पॉइंट, वहीं से पूरा राइड स्टार्ट होगा. तो गाइस अभी यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. सब घर वाले हैं, प्लीज़ सब लोग प्रे करना कि हम लोग सही सलामत अपना राइड कंप्लीट करके सब लोग घर वापस आ पाए. तो चलो स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाह. तो गाइज अभी हम लोग पालसीट पहुंच गए, 74 किलोमीटर रिडन सो फार. एंड यहाँ पर वेट करेंगे, सबको आने देंगे, उसके बाद निकलेंगे. A few moments later. तो गाइज बाकी मेंबर्स लोगों के लिए बहुत देर वेट करना पड़ा, अराउंड आधा घंटा. यार सब सुपरवाइज होता तो हम लोग चले आते, बट नॉर्मल बाइक्स एंड सुपर बाइक्स कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा सा तो यार दिक्कत होगा. बट जो भी हो यार, एक साथ दोस्त लोग सब लोग मिलके जा रहे हैं, यही बहुत बड़ा बात है. बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया है हम लोगों ने. गाइज अभी तो अप टू बर्धमान हम लोगों को हाईवे मिलने वाला है, बट उसके बाद और हाईवे नहीं रहेगा, लोकल रोड आ जाएगा. एंड उसके बाद एक्चुअल मतलब क्या बोलूँ, टफ राइड स्टार्ट होगा. क्योंकि आप लोगों को पता है सुपर बाइक लेकर लोकल रोड से होते हुए जाने में यार कितना तकलीफ होता है, हाथों में प्रेशर आता है, ऊपर से लगेज बंधा हुआ है बाइक पे. सो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट टफ.
यार क्या मजा आ रहा है राइड करने में गाइस। एक्चुअली बात है कि सब में मैं ही से थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हूँ, बाकी सब एकदम बिगिनर है, वो ये प्रॉब्लम। इसलिए सब लोग धीरे धीरे चला रहे हैं, उन लोगों का एक्चुअली आइडिया नहीं है कि कितना स्पीड में टालना चाहिए तब जाकर हम लोग कितना किलोमीटर कवर कर पाएंगे एंड ऑल। तो होता है कभी कभार, नो प्रॉब्लम, मैनेज कर लेंगे। एंड अभी यहाँ पर मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ अपना बाइक का। एंड गाइस ये सब पिक्चर अपलोड हो जाएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी में, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बाइकर बॉयज हाइड इज द नेम, यहाँ पर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। ना पूरा लॉक हो गया यार, फंस गए हम लोग। शिट, सामने तो फ्री है। A few moments later. All right guys, तो मेरा बाइक का जो प्रॉब्लम था वो रिसॉल्व हो चुका है। एक्चुअली डिस्क में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ये जो नट है ABS का नट, एक नट ढीला हो गया था एंड वो जाकर इस कैलिपर पे फंस गया था, इसलिए चक्का पूरा जैम हो गया था। सो थैंक्स टू ऑल दोस पीपल्स, यहाँ के लोकल है, उन्होंने मैकेनिक को बुलाया कॉल करके एंड वो मैकेनिक भैया भी बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने आकर मेरा बाइक का ये जो प्रॉब्लम था इसको ठीक कर दिया। चलो मिल्क इज़ फाइन। क्यों रुक गया यहाँ पे, साहिल 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 अली बेचा आगे कर भाई आगे कर, ये बहुत डेंजरस रोड है, हम जा रहे हैं, तुम आओ जल्दी ठीक है। अरे ये घूम जाना बे, यार बाल बाल बचा, वो भी एंड मैं भी, हम दोनों बच गए, बाल बाल बचे यार। कैसे ओवरटेक किया बस ने, ऐसा कोई करता है यार? हाँ ऐसा रोड के साइड में रुकना भी सही नहीं है आई नो, बट फिर भी यार अगर कोई खड़ा है, इंसान खड़ा है, मैं क्या जाकर उनको मार दूंगा? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि एक बाइक खड़ा है वहां पे यार, बस वाले भी ना। पूरा धूल धूल एंड गाइस, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, जाते आते बहुत राइडर्स के साथ मुलाकात हो रहा है, बहुत ढेर सारे, एंड जब भी एक राइडर दूसरे राइडर को देख रहा है तब हम लोग थम्स अप दिखा रहे हैं। सो इट्स आवर लाइक बाइकिंग ब्रदरहुड, शोइंग रेस्पेक्ट टू अदर बाइकर्स। नाउ सम एक्सट्रीम बैड रोड्स, मेरा सफेद जैकेट है एंड सफेद बाइक है, दोनों ही काला हो जाएगा। तो गाइज अभी यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर है मोरग्राम एंड वहाँ पर एक अच्छा खासा ढाबा है, तो वहीं पर
ब्रेकफास्ट करने का प्लान है हम लोगों का। एंड सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत तेज़ भूख लगा है, मतलब इतना भूख लगा कि सर चकरा रहा है यार, एनर्जी नहीं मिल रहा है बाइक चलाने में। गाइज अगर हम लोग आज सिलीगुड़ी पहुंच जाते हैं तो फिर कल से माउंटेन राइड स्टार्ट। यस, मतलब इतना मेहनत करके, इतना किलोमीटर राइड करके हम लोग सिलीगुड़ी पहुंचेंगे एंड कल फिर जो राइड स्टार्ट होगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा यार। सब प्रे करता हूँ क्या आज ठीक ठाक पहुंच जाए सिलीगुड़ी, क्योंकि जस्ट अभी 225 किलोमीटर ही हुआ है एंड सिलीगुड़ी इज़ अराउंड 580 हम लोगों के घर से, तो कैलकुलेट कर लो अब के कितना किलोमीटर बाकी है। सो गाइस चलो, वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट, 10:30 बज रहे हैं, 10:30 नहीं एक्चुअली 10:15 या 20 हो रहे हैं। तो यहाँ से अभी निकल लेंगे एंड यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर है मालदा, वहाँ पर होने वाला हम लोगों का लंच एंड वहाँ से और एक को राइडर ज्वाइन करेंगे हम लोगों, उसका नाम है करण, सो ही इज़ फ्रॉम मालदा, वो भी हम लोगों के साथ राइड कर रहा है। गाइज इधर लेफ्ट साइड में बिल्डिंग देखो कितना खूबसूरत है, एक्चुअली यहाँ के बहुत अमीर एक आदमी का घर है ये, बहुत ही अच्छा एकदम पैलेस जैसा दिख रहा है। NH34 बहरमपुर फरक्का टोल प्लाजा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यार। सो गाइस दिस इज फरक्का बैरेज, बहुत लंबा बैरेज है। जस्ट हैव अ लुक, कितना एक वाइड नदी है। A few moments later. ओ भाई ये क्या रास्ता है। गाइस 306 किलोमीटर हो चुका है। अरे बाप रे यार, ये रोड था या क्या था। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा, ओ भाई ओए थोड़ा रहम खा ले यार मेरे ऊपर। ओ गाइस मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना तकलीफ हो रहा है, अभी बाइक अभी ओवरहीट हो चुकी है, बाइक पे लोड है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, गर्मी, मतलब सब कुछ मिलाकर ना मतलब जहन्नम बन गया है। देखो देखो इन सब को देखो, कहाँ से आएगा, मेरे ऊपर से आएगा पागल आदमी, मतलब कोई भी कैसे भी चला रहा है, नो नीड टू बॉदर। तो गाइज अभी करण जुड़ चुका है हम लोगों के साथ एंड ही इज लीडिंग, आगे जाकर परदेसी ढाबा पर हम लोग रुकेंगे, वी विल हैव आवर लंच एंड भाई तो यार फुल टू एकदम सूट वूट पहनकर तैयार है। वो पिछले साल जब मैं गया था राइड पे सिक्किम, तब आने के टाइम में यहीं पर करण के साथ मुलाकात हुआ था, तो उसने बोला था कि अगर नेक्स्ट साल प्लान बने तो मुझे बोलना मैं भी जाऊंगा, तो इस साल फाइनली हम लोग जा रहे हैं एक साथ। तो चलो हम लोग पहुंच चुके हैं द फेमस परदेसी ढाबा पे। अरे यार इतना भीड़, गाइस चलो अंदर चलते हैं, खाना वाना खाते फ्रेश होते, कैमरा में चार्ज कम है तो बैटरी को भी चेंज करना पड़ेगा।
ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों का लंच कंप्लीट हो गया अभी, तो फिलहाल 3:30 बज रहे हैं। तो अच्छा खासा लंच हुआ, बहुत एकदम पेट भर के खाया अच्छा खाना। एंड एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, तो क्राउड देख कर आप लोगों को पता चल रहा है कि कितना अच्छा ढाबा है। तो चलो अभी निकलते हैं। 337 किलोमीटर्स रिटर्न सो फार। गाइज अभी हम लोग रायगंज से 20 किलोमीटर दूर है, मतलब अभी भी रायगंज पहुंचे नहीं है। एंड हम लोग अराउंड 5-6 घंटा लेट है। एंड अभी इतना देर हम लोग यहां पर रुके थे बिकॉज हैदर का जो बाइक है रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड, उसका पीछे का जो कैरियर है जिसके ऊपर पूरा लगेज रखा हुआ है, वो कैरियर टूट के गिर गया था नीचे। तो अभी हम लोग फिर ढूंढे कहाँ पर वो सब झलाई वगैरह होता है, तो वहाँ पर ढूंढ कर फिर उसको झलाई किए, फिक्स किए, सब कुछ काम किया। उसके बाद अभी अराउंड 2 घंटा यहीं पर हम लोगों को वेस्ट हो चुका है। अरे यार क्या डेंजरस जगह है यार, कहाँ फंस गए हम लोग। शिट, कहाँ उतार दिया मैंने बाइक को। अरे यार या अल्लाह, ओह गॉड, गाइस कैन यू इमेजिन क्या कर रहे हम लोग, क्या कर रहे हैं, वो भी मैं स्पेशली, अरे 1000 cc लीटर क्लास सुपर बाइक लेकर। इट्स अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस यार। अच्छा, सीधा जा बोलता है तो ओके सर। सो गाइज हम लोग सिलीगुड़ी पे एंटर कर चुके हैं। यार यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा क्राउड है, मतलब रात के मिडनाइट अभी है, 2-2.5 बज रहे होंगे। एंड अभी देखो एम्बियंस देखो, लग रहा है इवनिंग टाइम चल रहा है। तो अभी मैंने जस्ट पूछा पुलिस से कि फियोनिक्स लॉज कहाँ पर है, क्योंकि वहीं पर हम लोगों ने बुक किया अपना होटल रूम। बट यार यहाँ पर थोड़ा सा ढूंढना ट्रिकी है। A few moments later. ऑल राइट गाइज, तो अभी 3:30 बज रहे हैं, 3 बजे तक हम लोग आ चुके थे होटल में, फ्रेश होते होते और आधा घंटा लग गया। अभी दोस्त लोग सब बैठेंगे, थोड़ा आधा घंटा और गप्पे लड़ाएंगे, थोड़ा सा प्लान करेंगे अबाउट टुमारोज राइड। बाय द वे असल मज़ा तो कल से स्टार्ट होगा, क्योंकि कल से होने वाला है हम लोगों का माउंटेन राइड। यस, कल हम लोग होपफुली जाएंगे गैंगटॉक, तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो वो सब वीडियोस भी आने वाला है बहुत जल्द मेरे चैनल में, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना गाइस, स्टे ट्यून। एंड इंस्टाग्राम में भी जरूर से फॉलो करना, क्योंकि आज मैंने बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स अपलोड किया मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, बाइकर बॉयज राइड इज द नेम। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ, अभी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है, जरूर से फॉलो करना। एंड आई होप सो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक कमेंट, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। एंड मिलेंगे दूसरे वीडियो में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस, बाय एंड गुड मॉर्निंग। 3:30 बज रहे हैं, बाय।